हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है व्हाई मोटर स्टार्टिंग करंट हाई। मोटर का स्टार्टिंग करंट ज्यादा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन होता है, आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं। यदि आपने किसी मोटर को देखा तो जब उसे स्टार्ट किया जाता है तो मोटर स्टार्टिंग में 3 से 5 टाइम करंट ज्यादा लेती है उसके रेटेड करंट का। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन होता है, आज के स्टूडियो में हम टेक्निकली सीखने वाले है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं, उसके बाद स्टार्टिंग करंट ज्यादा होने के क्या क्या रीजन होते हैं चलिए हम सीख लेते हैं। देखिए, थ्री फेज मोटर में देखा जाए तो हमारे पास स्टेटर होता है एंड रोटर होता है। स्टेटर वहां पे स्टेशनरी पार्ट होता है जिसके ऊपर हमें वाइंडिंग की गई होती है, और रोटर वहां पे मूविंग पार्ट होता है जो कि मूव करता है। जब स्टेटर में सप्लाई प्रोवाइड की जाती है तो वहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन के फॉर्म में स्टेटर से रोटर तक ट्रेवल करती है, जिससे क्या होता है ईएमएफ इंड्यूस होता है, और इस ईएमएफ के कारण वहां पे फोर्स लगता है, और इस फोर्स के कारण ही हमारा रोटर रोटेट होता है। और यह पूरी प्रोसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत से होती है, इसी के कारण हमारा रोटर रोटेट होता है। चलिए अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, मोटर का स्टार्टिंग करंट ज्यादा क्यों होता है। इसके लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर होना चाहिए, जैसे कि स्लिप क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, यही मेन रीजन होता है मोटर का स्टार्टिंग करंट ज्यादा होने का। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्लिप क्या होता है। चलिए यदि स्लिप का फॉर्मूला देखा जाए तो स्लिप इज इक्वल टू होती है ns - n/ns × 100। यहाँ पर यदि ns देखा जाए तो इसे हम सिंक्रोनस स्पीड आरपीएम कहते हैं, या जिसे हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड भी कह सकते हैं। तो ns यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड है, या जिसे हम बेसिकली स्टेटर की स्पीड, या जिसे हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड कहते हैं। जब हम स्टेटर में करंट का फ्लो करते हैं तो वहां पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है उसे ही हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, और n यहाँ पे रोटेशन स्पीड होती है जिसे हम रोटर की स्पीड भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर ns यहाँ पे स्टेटर की स्पीड या सिंक्रोनस स्पीड होती है, और n यहाँ पे रोटेशन स्पीड होती है। चलिए हम स्लिप को और भी डिटेल में सीखेंगे, उससे पहले हम जान लेते जो स्लिप होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टार्टिंग करंट के। यदि मोटर में स्लिप ज्यादा होगी तो स्टार्टिंग करंट भी ज्यादा होगा, यदि स्लिप कम होगी तो स्टार्टिंग करंट भी कम होगा। तो हम कह सकते हैं जो स्लिप होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टार्टिंग करंट के। अब ये स्लिप एक्चुअल में होती क्या है चलिए हम समझ लेते हैं। सपोज हमारी जो मोटर का आरपीएम है वो है 1400 आरपीएम की, हमारे पास कोई मोटर है तो यदि वहां पे मोटर को सप्लाई प्रोवाइड की जाती है तो जो उसकी जो स्टेटर की स्पीड होती है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड होती है, वो वहां पे फुल होती है। सपोज ये मोटर को स्टार्ट किया तो उसके स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड 1400 आरपीएम है, और उस कंडीशन में यदि हम वहां पे यदि फॉर एग्जांपल यदि हमारा रोटर रोटेट हो रहा है और रोटर की स्पीड यदि वहां पे देखी जाए तो 1000 आरपीएम, सपोज फॉर एग्जांपल यहां यदि हमने मानी कि जो रोटर की स्पीड है वो 1000 आरपीएम है, तो उस कंडीशन में वहां पे टोटल स्लिप कितना होगा या रिलेटिव स्पीड कितनी होगी। तो यदि हमने वहां पे जो हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड है उसमें से यदि हम रोटेटर की स्पीड को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे 400 हमारे पास जो आ जाएगा वो स्लिप आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड भी कह सकते हैं। तो वहां पे रिलेटिव स्पीड हमारी 400 आरपीएम आने वाली है। इसे हम और अच्छे से क्लियर करते हैं, ये तो जस्ट एग्जांपल हमने देखा कि जब मोटर को स्टार्ट किया तो उसके फुल आरपीएम, तो यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड होगी और रोटर की जो स्पीड होगी यदि हम सिंक्रोनस स्पीड में से रोटर की स्पीड को माइनस कर दे तो हमें टोटल स्लिप मिल जाता है या रिलेटिव स्पीड वहां पर मिल जाती है। तो कुल मिलाकर जो हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड में से रोटर की स्पीड को माइनस करना ही स्लिप कहलाता है। अब इस स्लिप के कारण मोटर का स्टार्टिंग करंट ज्यादा क्यों होता है यही सबसे मेन है, इसे हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग करंट में जब स्टार्टर को हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में जो सिंक्रोनस स्पीड होती है या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो तो फुल होती है। सपोज 1400 आरपीएम की मोटर है तो वहां पे जो सिंक्रोनस स्पीड होगी वो 1400 आरपीएम होगी। जब मोटर को स्टार्ट किया जा रहा है, सपोज मोटर को स्टार्ट किया था, वहां पे 1400 आरपीएम वहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब वहां पे जब रोटर हमारा क्या होगा, पूरी तरह से स्टॉप कंडीशन में होगा क्योंकि जस्ट अभी स्टार्ट ही किया जा रहा है। जब वहां पे रोटर पूरी तरह से स्टॉप कंडीशन में होगा तो रोटर की स्पीड वहां पर क्या होगी, जीरो होगी। यदि वहां पे रोटर की स्पीड जीरो है और वहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फुल है तो उस कंडीशन में जो वहां पे स्लिप होगा वो स्लिप यहाँ पे फुल होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं
उस कंडीशन में जो स्लिप की वैल्यू मिलेगी वो हमें 1 मिलेगी। स्लिप की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो यदि हमारा रोटर एकदम स्टॉप पोजीशन में और सप्लाई वहां पे कनेक्ट की गई है तो क्या होगा, हमारे पास जो टोटल स्लिप होगा वो फुल होगा क्योंकि 1 मिलने वाला है। जैसा पावर फैक्टर हमारा मैक्सिमम 1 होता है उसी तरह स्लिप भी 1 होता है और मिनिमम 0 होता है। तो यदि हमारी रोटर पूरी तरह से स्टॉप पोजिशन में है तो उस कंडीशन में जो स्लिप मिलेगा वो हमें मैक्सिमम मिलने वाला है। आप जब रोटर सर्किट इनर्जाइज होता है तो रोटर सर्किट इनर्जाइज होने से वहां पर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। और ईएमएफ इंड्यूस होने से रोटर सर्किट क्या चाहता है कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है उसी स्पीड में आने की पूरी कोशिश करता है। रोटर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फुल स्पीड में रन हो रही है, रोटर भी जल्द से जल्द यही चाहता है कि ये जितनी स्पीड इसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की है उतनी ही स्पीड में रोटर भी आ जाए। क्योंकि रोटर की स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे रिलेटिव स्पीड या जो हमारी जो कह सकते स्लिप होता है वह कम होते जाएगा। तो रोटर जल्द से जल्द चाहता जितना भी स्लिप है उसे कम किया जाए और वहां पर जो सिंक्रोनस स्पीड या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है उस स्पीड में आने की कोशिश करता है। और इसी हाई स्पीड में आने के लिए रोटर वहां पे हाई टॉर्क प्रोड्यूस करता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है। क्योंकि रोटर एकदम धीरे धीरे नहीं आने की कोशिश करता, एकदम फुल स्पीड में आने की कोशिश करता है। इसी के कारण वहां पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इस हाई टॉर्क के कारण ही मोटर का स्टार्टिंग करंट ज्यादा होता है। सपोज रोटर सर्किट अब इनर्जाइज हो चुका है और रोटर भी कुछ आरपीएम में रोटेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि जो रोटर है वो 400 आरपीएम के ऊपर रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसका कैलकुलेशन समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1400 माइनस 400, यहाँ पे जो 1400 ये सिंक्रोनस स्पीड है और ये 400 यहाँ पे रोटर स्पीड है। उस कंडीशन में स्लिप कितना रहने वाला है हम समझ लेते हैं। इसे हम यदि सॉल्व कर दे टोटल स्लिप हमें मिलने वाला है 0.714। तो देखिए इस कंडीशन में स्लिप कम हो गया है। यदि स्लिप कम होगा तो स्टार्टिंग करंट भी कम होगा। अब यदि हमने माना कि रोटर के आरपीएम और बढ़ रहे हैं और वहां पे 600 आरपीएम रोटर के हो चुके हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1400 माइनस 600 डिवाइड बाय 1400। इसे हम यदि सॉल्व करते हैं, यदि हमने सॉल्व किया तो जो स्लिप आएगा वो 0.57 रहने वाला है। तो देखिए जैसे जैसे मोटर के आरपीएम बढ़ते जाएगा उस कंडीशन में स्लिप कम होते जाएगा और जैसे जैसे स्लिप कम होते जाएगा तो उस कंडीशन में स्टार्टिंग करंट भी हमारा कम होते जाएगा। तो यही मेन रीजन होता है कि हमारी मोटर स्टार्टिंग में करंट ज्यादा लेती है क्योंकि स्टार्टिंग में स्लिप ज्यादा होता है क्योंकि रोटर एकदम स्टॉप कंडीशन में होता है। और जैसे ही रोटर को स्टॉप कंडीशन से स्टार्ट कंडीशन में आने के लिए हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वहां पर स्लिप ज्यादा होता है। क्योंकि टॉर्क जो बेसिकली देखा जाए तो रोटर की जो रोटेशनल स्पीड है वह जीरो है। अब जैसे ही हमारा रोटर वहां पर एनर्जाइज होता है तो रोटर धीरे धीरे स्पीड ना बढ़ाकर एकदम से अपनी फुल स्पीड में आने की कोशिश करता है और इस फुल स्पीड में आने के ही कारण हमारी मोटर स्टार्टिंग में ज्यादा करंट लेती है। जैसे जैसे हमारे रोटर का आरपीएम आते जाता है वैसे वैसे स्लिप कम होते जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब नॉर्मली कंडीशन में हमारी मोटर रोटेट होने लग जाती है तो उस कंडीशन में हमारी जो मोटर है वो नॉर्मल करंट लेने लग जाती है। तो स्टार्टिंग में टॉर्क हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है इसीलिए हमारी मोटर स्टार्टिंग में ज्यादा करंट लेती है। इसे हम साइकिल के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। यदि हम साइकिल चलाते तो साइकिल में क्या होता है, जब उसमें स्टार्टिंग की जाती है तो स्टार्टिंग में हमें ज्यादा फोर्स लगाना होता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब हमने मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर लिया और हमारी साइकिल एक बार रोटेशन में आ गई तो फिर नॉर्मल फोर्स लगाने से ही हमारी साइकिल रन होने लगती है। तो यही मेन रीजन होता है कि मोटर हमारा स्टार्टिंग करंट ज्यादा लेती है। यदि आपसे कहीं इंटरव्यू में पूछा जाता तो आपको यही जवाब देना है कि जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टिंग के समय मोटर में स्लिप ज्यादा होता है। स्लिप ज्यादा क्यों होता है तो क्या वहां पे रोटर हमारा पूरी तरह से स्टॉप कंडीशन में होता है। जब रोटर को स्टार्ट किया जाता है तो रोटर एकदम से उसकी फुल स्पीड में आने की कोशिश करता है जिसके लिए हाई टॉर्क रिक्वायरमेंट होती है। और इसी हाई टॉर्क के कारण वहां पे हमारी मोटर ज्यादा करंट लेती है। जैसे जैसे मोटर के आरपीएम आते जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, स्लिप कम होते जाता है और स्लिप के कम होने के कारण करंट रिड्यूस हो जाता है। स्टार्टिंग में हमारी मोटर का करंट कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं, देखिए इस तरह से हमारा करंट रहता है और बाद में इस तरह से जाता है। या आप इसे स्टार्टिंग करंट कह सकते हैं और यहाँ पे आप इसे स्टडी करंट भी कह सकते हैं। यहाँ पे करंट को लिया गया है और यहाँ पे टाइम को लिया गया है। तो जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टिंग करंट कुछ इस तरह से रहता है और स्टडी करंट कुछ इस तरह से रहता है। जैसे जैसे एक बार स्लिप कम होते जाता है तो करंट यहाँ पे डिक्रीज होते जाता है। अब मेन क्वेश्चन रहता है सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है। सिंक्रोनस स्पीड किसी भी मोटर की
इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है एनएस इज इक्वल टू 120 f/p। यहाँ पे 120 f यहाँ पे देखा जाता है फ्रीक्वेंसी और p यहाँ पे पोल है, नंबर ऑफ पोल। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो मोटर स्टार्टिंग करंट ज्यादा क्यों लेती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।